प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमदान ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। माध्यमिक का प्रीवियस ईयर 2017 में हम एक चैप्टर नंबर 8.3 इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल इक्वेशन, इस चैप्टर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इस सीरीज में हम आपको प्रीवियस ईयर के हर एक ईयर का क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8.3 पे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोगों को जो डिस्कशन करना है वो करना है माध्यमिक 2017 के चैप्टर नंबर 8.3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चंस। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ग्रुप ए में एमसीक्यू के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का मिलेगा यहां से। इसके बाद आपको मिलेगा ग्रुप बी में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और यहां पर आपको एक ऑल्टरनेटिव भी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना, 2.13 और उसके और में एक क्वेश्चन मिलेगा, और 2.14 दो क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों ही 1 मार्क्स के। यानी यहां पर आपको 1 मार्क्स और यहां पर आपको 2 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स हो गए। दैट्स नॉट ऑल, इस चैप्टर से अभी भी क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे देखिए, यह है ग्रुप डी जहां पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसी चैप्टर से। तो टोटल अगर आप इस चैप्टर की वैल्यू को देखते हैं तो आपको 6 मार्क्स इस चैप्टर से स्कोर होंगे। चलिए देखते हैं कि 2017 में वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सारे क्वेश्चन का इलैबोरेट सॉल्यूशन समझाता हुआ चलूंगा। पहला क्वेश्चन 2017 में 8.3 से जो क्वेश्चन पूछा गया था, 1.12, याद रखिए इस प्लेस को 1.12, ये इस क्वेश्चन का फिक्स प्लेस है। 1.12 में आपसे इसी चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं आपको कभी एक्वस सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं किसी का, तो वो कब वीक इलेक्ट्रोलाइट है इन चारों में से। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। आई होप कि आपको, आप लोगों ने हमारे इस चैप्टर के रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे। उस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वो केमिकल जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद डिसोसिएट होता है, वो केमिकल कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब ये डिसोसिएशन जिनका हो रहा है, जो टूट रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, ये डिसोसिएशन जिनका हो रहा है, वो डिसोसिएशन के में डिसोसिएट होते हैं आयंस, जिसमें जितना ज्यादा आयंस होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट जिनमें डिसोसिएशन के बाद आयंस का नंबर्स बहुत कम होता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। एक है एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COH। यहां पर मैं आपको एक और बारीक बात बता दूं, माध्यमिक में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार ऐसा किया जाता है कि क्वेश्चंस में केमिकल फॉर्मूला लिख दिया जाता है उसके नाम की जगह में, जैसा कि 2017 में किया गया। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको हेल्प किया, आगे आने वाले ईयर में भी रिपीट हुआ है। आप इस तरह के सीरीज को जब पूरा कंप्लीट करोगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप अगर इसके बाकी वीडियोस को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कीजिए, जहां पर इस चैप्टर के रिलेटेड नोट्स, इस चैप्टर के रिलेटेड वर्कशीट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, माध्यमिक के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सबके लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड, इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और उसके बाद है कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं। इनमें से सही आंसर जो है वो है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। तो माध्यमिक 2017 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका सही आंसर है एसिटिक एसिड। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक्सप्लेन किया, अब मैं चलूंगा आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1.12 एक फिक्स पोजीशन है जहां पर एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा चैप्टर नंबर 2. चैप्टर सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर होगा 2.13। वो चलिए बढ़ते हैं 2.13 की तरफ। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 2.13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है व्हाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग अ लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड इनटू प्योर वाटर इज मोर देन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर में जो इलेक्ट्रिकल के कंडक्टिविटी का पावर होता है, वो अगर आप उसको एसिडिफाइड करेंगे बाय सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? इसका सही आंसर जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने की जो प्रॉपर्टी है वो आयंस के पास है। यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी बढ़ाने की प्रॉपर्टी बढ़ क्यों जाती है,
ऑब्वियस सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 जब स्प्लिट करता है, जब डिसोसिएट करता है, तो वो आपको आयंस प्रोवाइड करता है। आयंस की प्रेजेंस की वजह से यहां पर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। इसका आंसर आपको लिखना कैसे है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। आंसर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट इज द आयन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नॉट इलेक्ट्रॉन्स। आयंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। यहां पर प्योर वाटर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन जब आप देखते हो उसमें आप ऐड कर देते हो, आपके पास जब उसमें आप ऐड करोगे सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर आयंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको पता है 2.13 में और में एक क्वेश्चन आता है, तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। 2.13 के और का क्वेश्चन यहां पर है, इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं है। इसके बाद एक और हमारे पास वन मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। What are the carriers of electricity in the solution during the electrolysis of aqueous solution of an electrolyte? एक electrolyte का aqueous solution अगर आप लेते हैं, तो वो कौन है जो carriers की spelling में गलती है? Carrier होगा electricity का। Electricity को carry कौन करेगा? ये है question। ये तो हम लोगों ने बहुत बार discuss किया है इस chapter में भी और हमारे current electricity वाले chapter में भी। Current electricity वाले chapter के दौरान भी मैंने आपको बार बार बताया था। Main role is getting played by ions. आयन ही वो है जो इन सारे चीजों को करता है। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयंस। कौन है कैरियर इलेक्ट्रिसिटी का? आंसर है आयंस। याद रखिएगा इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 2.13 के और के बाद हम लोग 2.14 नंबर क्वेश्चन को भी इलेक्ट्रोलाइसिस से देखने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2.14 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है विच आयन माइग्रेट्स टुवर्ड्स द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ड्यूरिंग यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। कह रहा है कि कौन सा आयन माइग्रेट करेगा कैथोड की तरफ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहां लिखने में थोड़ी गलती हुई है, कैपिटल सी और एस ओ कैपिटल होना चाहिए था। कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर में सी यू स्मॉल होना चाहिए था, सी कैपिटल। आई होप कि आपको ये सिंबल्स पता ही होंगे, लिखने में थोड़ी टेक्निकल गलती हुई है। एक्सप्लेन करता हूं, कॉपर सल्फेट के कॉपर इलेक्ट्रोड्स पे अगर आप यूज कर रहे हो और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म कर रहे हो, तो कैथोड की तरफ किसे माइग्रेट करना चाहिए? इसका सही आंसर है कैटायंस। यहां एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा। क्या आपको पता है कैथोड की तरफ जो आयंस मूव करते हैं वो होते हैं कैटायंस, और एनोड की तरफ जो आयंस मूव करते हैं वो होते हैं एनायंस। कैथोड की तरफ कैटायंस, एनोड की तरफ एनायंस, याद रखिएगा। एक और चीज मैं बताऊं, इस क्वेश्चन में ये जो पार्ट हमें दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो कैथोड की तरफ सिर्फ कैटायंस जाएंगे और एनोड की तरफ एनायंस जाएंगे। यानी ये जो पार्ट इस क्वेश्चन में दिया गया है ये बस एक स्यूडो पार्ट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं है इनका। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप इसे याद रखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, इन सभी में 2017 में सभी में जो क्वेश्चंस यूज हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, वो बस बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं आयन के बारे में, कि इसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है वो आयंस है। सारे क्वेश्चंस पे लगभग आयंस दिख रहा है। मैंने आपको इससे रिलेटेड बाकी ईयर्स के सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किए हैं उनको भी जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर के आई बटन पर मिलेगा। जब आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा इस चैप्टर के बारे में क्या है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर देखना चाहते हैं हमारे लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको ये क्लियर आइडियाज मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से जो आखिरी क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि 4.10 में पूछा जाता है। चलिए उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है कैटायंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.10। विच एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन टू अकर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। वो कौन सी एनर्जी का फॉर्म है जो रिक्वायर्ड होता है केमिकल रिएक्शन करने में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान आंसर है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तब जब करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही हो। ओके, समझ आया? ध्यान से सुनिए, आपके पास वो एनर्जी केमिकल एनर्जी ही है, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है वोल्टामीटर में परफॉर्म किया जाता है, जहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो बिना करंट इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टामीटर फंक्शन ही नहीं करेगा। तो क्या समझ आया? क्लियर सी बात है कि वो एनर्जी का फॉर्म जो यहां जरूरी है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये था हमारा 4.10।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो इसी के कंटिन्यूएशन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन टू पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट है जो वन मार्क्स का है और एक पार्ट है जो टू मार्क्स का है। इसका टू मार्क्स वाला पार्ट बहुत ट्रिकी है, आगे भी रिपीट हुआ है, आने वाले ईयर्स में भी उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। देखिए, व्हाट रिएक्शन टू ऑकर एट द कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिकुलेटेड वाटर। वाटर जब एसिकुलेटेड यानी एसिड मिक्स कर दिया जाता है तो कैथोड और एनोड पे कौन से रिएक्शन होते हैं, आंसर यहां लिख दिया गया है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। माध्यमिक के इस वीडियो को, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कितना पसंद आ रहा है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सही लग रहा है और आप चाहते हैं कि इस तरह की सीरीज को हम कंटिन्यू करें तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो, ताकि इस तरह की वीडियो की सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं। अगर आपके पसंद और आपके लाइक्स के बेसिस पे मुझे ये पता चल जाता है कि आप कितने इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मैं इस सीरीज पे आगे भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपके लाइक्स और अप्रोप्रिएट नहीं मिलते हैं, दैट मींस आप इस वीडियो सीरीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मैं इस सीरीज को स्टॉप कर दूंगा। आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज चाहिए या नहीं। चलिए इस आखिरी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। लिखने में थोड़ी गलती हुई है, एक्चुअली लिखने की गलती नहीं है या टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता है कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो होता है H+, ये एक आयन है H+, तो प्लस ऊपर की तरफ होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। आपको दिख रहा है कि H+ है यानी कि वो पॉजिटिव बना हुआ है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसीलिए वो आयन H+ बना हुआ है। वो जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो बन जाएगा H, क्लियर हो गया, हाइड्रोजन बना। अब दो हाइड्रोजन एक साथ ऐड होकर H2 बनाते हैं, ये पूरा केमिकल रिएक्शन हमारे कैथोड पे हो रहा है। एनोड पे क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आइए देखते हैं। एनोड पे जो केमिकल रिएक्शन है वो है OH, ऊपर में माइनस होगा, ये आयन है, इस ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सॉरी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये खुद OH माइनस हो रखा हुआ है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, अब ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये नॉर्मल OH में कन्वर्ट हो जाएगा, आयन नहीं रहेगा, और इस तरह के फोर OHs एक साथ कंबाइंड होकर 2H2 प्लस O2 बनाते हैं, और ये होता है पूरा केमिकल रिएक्शन हमारे एनोड। ये थी वो सीरीज जिसमें हम लोगों ने एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए माध्यमिक के 2017 के। आई जस्ट होप कि इस चीज के बारे में, इस चैप्टर के बारे में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैं आपको वो सारी चीजें बता पाया। अगर ये वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगता है, ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करें, मुझे बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स थे जिनको हम इम्प्रूव करें। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे वीडियोज के साथ आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं अभी तो। आज का वीडियो हमारा इतना दूर रहेगा, कल मिलते हैं अपने अगले क्लास में। टिल देन डू टेक केयर।